हट जाओ मेरे रास्ते से। ओए गुड्डू, ये जम से क्या सुनामी से? जंगल हो या सर्कस का रिंग, लायन इज ऑलवेज द किंग। बचाओ बचाओ, प्लीज हमें बचाओ गुड्डू। अस्सी हो गया, तीनों मारेंगी तो दो। की कर रहा है बुड्डू, किधर भाग रहा है? अब तुम्हारे झटकों पे भारी पड़ेगा गुड्डू का फटका। फिकर नॉट, जब तक गुड्डू तुम्हारे साथ है डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो बड़ी प्यारी हो, क्यूटी हो, स्वीटी हो। वो मछलियाँ तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? मेरा नाम फ्लावरी है गुड्डू, मैं जलरानी की खास सेविका हूँ। वो मछलियाँ इस मैप के लिए मेरे पीछे पड़ी थी। ये मैप एक सीक्रेट गुफा तक ले जाता है जहाँ एक मैजिकल डायमंड है। मुझे वो डायमंड लेकर जल रानी को देना है। लेकिन तुम अकेली वो डायमंड कैसे लेके आओगी? पानी में तुम्हें और भी खतरा हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगी भी या नहीं। डोंट वरी, तुम्हारा प्रॉब्लम अब गुड्डू का प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा उस डायमंड तक। के मतलब से रे गुड्डू, हैं? तू इकल्ला ही जाएगा और हम यहाँ के बैठे बैठे डंबल उठाएंगे? हम भी थारे साथ चलेंगे भाई। पानी के अंदर हम सांस कैसे लेगा? हम लोग मछली थोड़े ही है। उसकी टेंशन तुम मत लो, ये लो। ये क्या है? ये मैजिकल पर्ल्स है, इन्हें सर पे लगाओ फिर देखो क्या होता है। अरे वाह, तो शुभ काम में देर कैसी? वो देखो, उस गुफा में है वो डायमंड। लेकिन ये केकड़े बहुत ही खतरनाक है, हमें इनसे बच के गुफा में जाना होगा। इनसे बच के? अरे ये गुड्डू से बचेंगे तब ना। क्या हुआ, उड़ गया फ्यूज? पानी में शेर को देख के हो गए कंफ्यूज? जल्दी से दरवाजा खोलो नहीं तो। तू फाइट कर रहा है या हमारी हवा टाइट कर रहा है? Yeah.
चलो दोस्तों, ऐसे क्या डर रहे हो? क्लैप क्लैप करो। पीछे देखोगे तो तू भी डरेगा गुड्डू। तुम तो कह रही थी ये गुफा है। मैप में तो यही था ये। वो देखो, वो रहा डायमंड। नो इंट्रोडक्शन, सीधे एक्शन। इतना मजबूत जोड़, लेकिन गुड्डू के पास है इसका तोड़। चल मेरी टेल, दिखा अपना खेल। यस, मिल गया डायमंड। ओए बल्ले शेरा। है? ये क्या मैजिक है? यही तो मैजिक है इस डायमंड का। ये जिसे मिल जाए उसे अपार शक्ति मिल जाती है। ये लो। जय रानी तो कब की जा चुकी, अब मैं बनूंगी नदियों और समुद्र के सारे जीवों की रानी। थैंक यू गुड्डू, तुम नहीं होते तो जल रानी के ये वफादार केकड़े मुझे ये डायमंड कभी नहीं लेने देते। चीटिंग करके थैंक यू बोलती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो मैं कहूंगी। जो आज्ञा महारानी। हमें कैसे भी करके उस फ्लावरी को रोकना होगा, नहीं तो पानी के सारे जीव खतरे में पड़ जाएंगे। उड़ी बाबा, तुमने देखा नहीं क्या, उसको खत्म करना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है, अगर ये मोती उसके मुंह में डाल दिया जाए तो वो फिर से छोटी हो जाएगी। ये तो ऑक्सीजन मास्क वाला मोती है, इससे क्या होगा? मास्क वाले मोती ये हैं, वो स्पेशल मोती है, मुझे जलरानी ने खुद दिया था और कहा था कि अगर डायमंड गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका यूज करना। लेकिन ये मास्क तो वो फ्लावरी चुटकी बजा के ही फोड़ देगी। नहीं, ये हमारे मोती है, इनसे बने मास्क हमारी चुटकी से ही फूटेंगे। तो फिर देर कैसी, चलो उस फूली हुई फ्लावरी की हवा निकाल के आते हैं। ए फ्लावरी, बात हो गई तेरी मनमानी, अब गुड्डू याद दिलाएगा तुझे तेरी नानी। मुझ तक बाद में पहुंचना, पहले इनसे तो निपट ले। उत्तरी, फिर से 1320 वोल्ट का जोल्ट। मछलियों की पसलियां तोड़ दूंगा। ए! क्या बात है, शिकार खुद शिकारी की तरफ आ रहा है। गुड्डून, लगता है गुड्डू ने उसके मुंह में स्पेशल मोती डाल ही दिया। शेर कभी ढेर नहीं होता फ्लावरी,
ये लो भाई तुम्हारी अमानत, इसे संभाल के रखो। थैंक यू गुड्डू। और इसका क्या करना है? हमारे पास मौसला तैयार है गुरु। इसका छोटा छोटा पीस कोड़ के धीमे आंच पे पका के लेमन और इमली का चटनी डाल के मुझे माफ कर दो गुड्डू, अब मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। ठीक है, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जाने दो। क्यों, सही है ना?